आज हम करेक्टिव की ओर से शिल्पा सिंह के साथ एक कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं। शिल्पा सिंह गोवा में एक लॉ कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और पिछले कुछ दिनों में उनके ऊपर एबीवीपी के द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे उनके कोर्स कंटेंट को लेकर। एबीवीपी ने बोला है कि उनके लेक्चर्स में ऐसी बातें करी गई हैं जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को हर्ट किया जा रहा है। और ये अगर हम देखें तो ये एक्चुअली उनके लेक्चर्स में जो मनुस्मृति के लेकर उन्होंने क्रिटिसिजम्स दिए हैं उनको लेकर ये कंप्लेंट करी जा रही है। सिमिलरली हमने देखा है तमिलनाडु में वीसीके के जो प्रेसिडेंट है थिरुमा वल्लवन, उनके खिलाफ भी बीजेपी ने कंप्लेंट किया है क्योंकि उन्होंने सितंबर में एक वेबिनार में जो पेरियार और फेमिनिज्म पे था उसमें मनुस्मृति को ही कोट करते हुए उसमें जो पेट्रियार्कल और कास्टिस्ट कंटेंट है उसको क्रिटिसाइज किया था। तो आज हम शिल्पा सिंह से जानना चाहेंगे कि क्या सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए जिसमें ये कंप्लेंट्स उनके अगेंस्ट करी गई और इन कंप्लेंट्स का क्या कंटेंट था, ये लेकर अगर वो हमें कुछ बताते। जी सो जैसा कि आप जानते हैं कि एवीबीपी की एक चिट्ठी आई थी मेरे कॉलेज में और उसमें लिखा हुआ था कि मेरा इंस्टेंट टर्मिनेशन मांगा था कि 24 घंटे के अंदर आप शिल्पा सिंह को टर्मिनेट करिए, नहीं तो हम एक सीवियर एजिटेशन करेंगे और अगला ये होगा कि हम उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो चिट्ठी के कंटेंट जब मैंने ध्यान से पढ़े तो उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं दिया है कि ये चीज जो है कि प्रॉब्लमेटिक है। उन्होंने कहा है कि मैं सोशली हेटफुल बातें करती हूँ क्लास में, एक स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में क्रिटिसिज्म करती हूँ और मैं एक डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ क्लास में जिससे क्लास की हार्मनी वगैरह डिस्टर्ब होती है और मैं स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करती हूँ और यही सब इल्जाम्स लगे थे मेरे ऊपर एबीवीपी के द्वारा लेटर के थ्रू। सो मतलब मैं तो अपना नॉर्मल लेक्चर ले रही थी, मुझे अचानक से चिट्ठी आई कि आप इसका जवाब दीजिए एक हफ्ते के अंदर। तो वो चिट्ठी से ही पता चला कि मतलब मैं जो क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ उसका असर इस तरह हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कि मेरे इंस्टीट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे क्लासरूम से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि जिन्होंने कंप्लेन की है वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, ना ही मैं उन्हें दूर दूर तक जानती हूँ। तो ये मामला क्लासरूम के कंटेंट का है जो कि एक थर्ड पार्टी डिक्टेट करना चाह रही है कि एक टीचर को क्लासरूम में क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। और जिस हिसाब से मेरी समझ है कि इन्होंने किस चीज को कहा होगा कि ये सोशली हेटफुल बातें हैं। देखिए मैं पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर पढ़ाती हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों को और ये बच्चे हैं जो जस्ट 12th पास करके आए हैं और आप जानते होंगे कि थ्योरी का पेपर जो होता है वो काफी बोरिंग होता है बच्चों के लिए और वो कंप्लेन करते रहते हैं कि थ्योरी। तो मेरी जो पेडागोजी है मैं थ्योरी के पेपर को एक एप्लीकेशन बेस्ड बना के रेलेवेंट एग्जांपल्स देती हूँ, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देती हूँ जिससे कि बच्चे थ्योरी और रियलिटी को रिलेट कर पाए। तो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें मैंने उन बच्चों से कहा था कि लॉ के बच्चे हैं वो, तो लॉ के बच्चे क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े, तो एक तो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि वो इंटरेस्ट दिखाएं इस डिसिप्लिन में। तो मैंने उनको कुछ एग्जांपल दिए थे कि पॉलिटिकल थॉट या आइडियाज या पॉलिटिकल फिलॉसफी ज्यूरिसप्रूडेंस को कैसे एनरिच करता है। तो मैंने उनको एडल्ट्री लॉ पे बात की थी कि एडल्ट्री लॉ क्यों स्ट्राइक डाउन हुआ लास्ट ईयर, कि आप इसका पॉलिटिकल थॉट से क्या कनेक्शन निकालते हैं। तो फिर मैंने उनको एक रेफरेंस दिया था कि जो हमारे टेक्स्ट हैं जैसे कि मनुस्मृति जो कि पहला कोडिफाइड टेक्स्ट है इंडिया का मतलब लॉ बुक के फॉर्म में, उसमें विमेन का सब्जेक्शन था, उनके कोई आजादी नहीं थी और मतलब मैंने रेफरेंस दिया कि मनुस्मृति को कोट करके, मैंने लॉज ऑफ मनु किताब पढ़ी हुई है और बाकी दूसरे इंटरप्रिटेशन भी मनुस्मृति की पढ़ी हुई है, तो मैंने रेफर किया कि कैसे वुमेन की लॉयल्टी
उसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी है, चाहे अगर उसका हस्बैंड, जैसे मनुस्मृति में रेफरेंस है, उसका हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, वुमेन हैज टू सपोज टू बी लॉयल टू हिम एंड इफ शी ट्रांसलेट सर्टन ड्यूटीज, मतलब अगर वो कोई जो ड्यूटीज उनको दी गई है मनुस्मृति के हिसाब से उसे ट्रांसग्रेस करती हैं, तो एक सुपरस्टिशियस आइडियलिज्म, मतलब सुपरस्टिशियस आइडियलिज्म को यूज किया है उनको कंट्रोल करने के लिए कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगले बर्थ में तुम्हें एक मतलब कुत्ते के रूप में जन्म मिलेगा, मतलब यू विल बी बॉर्न फ्रॉम द वोम्ब ऑफ जैकल, दैट रेफरेंस इज देयर इन मनुस्मृति। तो मैं उनको बता रही थी कि कैसे मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल आइडियाज प्रोग्रेसिव वो ज्यूरिसप्रूडेंस को भी एनरिच करती है, क्योंकि जो हम समझते थे पहले कि शायद ये नोशन है जेंडर का, जैसे कि वुमेन को पहले वोटिंग का भी राइट नहीं था, तो कैसे मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट एमर्ज हुए और उन्होंने रिजेक्ट करना स्टार्ट किया। तो इस सिलसिले में मैंने मनुस्मृति को कोट किया था, मैंने कहा था ये रिग्रेसिव टेक्स्ट है और इसके रिग्रेसिव मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो खत्म कर ही दी थी, लेकिन फिर भी मतलब मनुस्मृति जो टेक्स्ट है वो ऐसी नहीं है कि हमने टोटली कन्फर्म किया होगा अपने हिस्ट्री में, बट स्टिल अगर हम कास्ट और जेंडर का डायमेंशन देखें तो काफी मनुस्मृति अभी भी जिंदा है। तो मैं यही बोल रही थी बच्चों की थॉट की कंटिन्यूटी क्या होती है, तो हम मनुस्मृति को देखें तो वो अभी तक जिंदा है। मतलब मुझे तो लगता है कि हम जैसे औरतों को चाहते हैं वो ऐसे काम करें, उनके ऊपर जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं हमारे सोसाइटी का कि ऐसा ना करने से तुम्हारे साथ ये होगा, और अभी भी मतलब जैसे पढ़ी लिखी औरतें भी ये सारे अंधविश्वास मानती हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनके पति को कुछ हो जाएगा, या अगर वो अपनी जिम्मेदारी इस धर्म के हिसाब से नहीं निभाएंगी तो अगले जन्म में उनके साथ ये होगा। तो मतलब ये ऐसे तो ये टीचर इलस्ट्रेशन बिल्कुल देगा कि कैसे आप ज्यूरिसप्रूडेंस को एनरिच करेंगे, नहीं तो हम तो उसी जमाने में रह जाएंगे। तो पॉलिटिकल थॉट का मतलब क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब एग्जिस्टिंग आइडियाज को चैलेंज करना है, बिकॉज आप सोशल एग्जिस्टेंस को एनालाइज कर रहे हैं एक तरीके से, हर तरीके से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। तो इस रेफरेंस में मैंने मनुस्मृति का एग्जाम्पल दिया था जो कि शायद इन्हें पसंद नहीं आया, मतलब जिसको जिसने भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे तो किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं कि मैडम ये सही नहीं है या हमें ये अच्छा नहीं लगा, तो मुझे पता नहीं कि मेरा लेक्चर एवीबीपी के पास कैसे पहुंचा। तो मुझे तो ये भी शक है शायद वो मेरा लेक्चर देख रहे थे, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को एक्सेस है तो शायद उन्हें भी एक्सेस है। तो मतलब ये मामला यहीं से शुरू हुआ, मतलब मुझे लग रहा है मनुस्मृति ये छोटी सी बात थी लेकिन मेरे लेक्चर में तो बहुत सारी बातें होती हैं। और मैंने मनुस्मृति फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पावर पढ़ा रही थी, तो मतलब मैं केट मिलेट, शुलामित फायरस्टोन और सिमोन को पढ़ा रही थी। तो मतलब मैंने तभी रेफर किया कि मतलब कैसे चाहे वो वेस्ट हो चाहे यहाँ हो, वुमेन का सब्जेक्शन ये कंटिन्यू रहता ही है, और तो मतलब मैरिज के क्वेश्चन, सेक्सुअलिटी के क्वेश्चन, तो ये सब तो मुझे डिस्कस करने ही है क्लास में अगर मैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा रही हूँ। तो जैसे आप बोल भी रहे थे कि एक तरीके का सुपरस्टिशन का यूज होता था मतलब उस जमाने में, भी आज भी कंटिन्यूड है एक तरीके का आइडियलिज्म, एक तरीके का सुपरस्टिशन जो मटेरियल कंसर्न से अलग है। उसी के रेफरेंस में हम लोग ये भी लेक्चर में मान लीजिए डीडी कौशाम्बी या देवी प्रसाद उपाध्याय, ऐसे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन या फिलोसोफर्स हैं हमारे ट्रेडिशन में, आज बोला जाता है कि हम इंडियन वैल्यू सिस्टम्स पढ़ना चाहते हैं पर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को कोई पढ़ाता नहीं है, और वो जिसपे काम कर रहे थे जो एक मटेरियलिस्ट फिलोसफी है एंशिएंट इंडिया में, उसको कोई नहीं पढ़ाता है। इंडियन वैल्यू सिस्टम का मतलब कुछ और ही हो गया। तो अगर आप इन लोगों के काम के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं, और ये आपके लेक्चर जी एक्चुअली हमारे गोवा यूनिवर्सिटी में 2019 के जनवरी में कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिक थॉट पर, तो मैंने उस पर एक पेपर प्रेजेंट किया था, मतलब कि मतलब उसका टाइटल था कि अगर हम जेंडर सब्जुगेशन को मटेरियलिस्ट लेंस से देखें, आइडियलिज्म से हटा के इंडिया के टेक्स्ट के हिसाब से, तो मैंने वो एनालाइज किया था। तो मैंने मतलब शुरू से डीडी कौशाम्बी, आपको पता होगा गोवा से हैं, ये अलग बात है कि उनको गोवा में ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं, और कुछ सालों पहले डीडी कौशाम्बी फेस्टिवल ऑफ आइडियाज भी होता है लेकिन उसमें ऐसे ही लोग आते हैं जो कि उनकी आइडियाज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो मतलब डीडी कौशाम्बी है एक आइकन है यहाँ पे लेकिन उनकी आइडियाज को जो है वो नेगेट कर दिया जाता है। तो मैंने डीडी कौशाम्बी पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैं एमए में थी, और
तब से अब तक मतलब जो कास्ट का पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो दीदी कोसाम्बी ने काफी अच्छे मटेरियल पर्सपेक्टिव से समझाया है कि अगेन ये सुपरस्टिशियस आइडियलिज्म की बात है, मतलब कास्ट कैसा था एक सिस्टम सरप्लस एप्रोप्रिएशन का, एक ऐसा सिस्टम था सरप्लस एप्रोप्रिएशन का जिसमें कि एक कॉन्शियसनेस क्रिएट होती थी आइडियलिस्टिक नोशन के अराउंड, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कास्ट हैं, दलित कम्युनिटीज हैं, उसमें वो अपना सरप्लस खुद दे देते थे, वो अपना सरप्लस खुद दे देते थे विदाउट एनी स्कोप ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिवोल्ट। मतलब जब आपके धर्म से ही सैंक्शन है कि हाँ आपको अपने फसल की थोड़ी जजमानी सिस्टम में हो या जो भी हो आपको देनी है ब्राह्मण को, तो मतलब वो पता भी नहीं चलता था कि हमें रिलीजन ऐसे कंट्रोल कर रहा है, हमारे सरप्लस को एक तरीके से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो मैं अपने क्लासरूम में जिन देखिए टीचर अगर कुछ एक्स्ट्रा जानता है तो वो अपने बच्चों से शेयर करता ही करता है। तो जैसे हम अपनी नॉलेज जैसे जैसे एनरिच करते हैं बच्चों की भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने दीदी कोसाम्बी को पढ़ने लगी तो मैं अपने क्लासरूम में भी डिस्कस करने लगी कि अगर आप कास्ट को देखें तो दीदी कोसाम्बी की एनालिसिस ऐसी है कि एक कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है आइडियलिस्टिक कॉन्शियसनेस जिसमें कि बिना किसी स्कोप ऑफ रेजिस्टेंस और रिवोल्ट के एक अंधविश्वास या एक कास्ट के मतलब फंक्शनैलिटीज के हिसाब से एक जो कि मतलब यूजली मैंने गोवा में काम मतलब गोवा की भूमि पे काम किया है कोसाम्बी के कल्चर है सुसेगाड का कल्चर। सुसेगाड का कल्चर मतलब कि रिलैक्सिंग कि गोवन जो एलिट होते हैं हमेशा तो अगर वो रिलैक्स होते हैं तो वो है जो उनके लिए लेबर परफॉर्म करता है और ये लोग हैं जो ट्रेडिशनल दलित आदिवासी कम्युनिटी हैं। तो मतलब तो मैंने उसको कोसाम्बी के एनालिसिस से किया था कि कैसे वो पूरे दिन भर खेत में काम करके जो सरप्लस जनरेट होता था वो अपर कास्ट या आप उसको बोलते गांव सारी सिस्टम के जो हेड होते थे भाटकर उनको लाकर दे देते थे जो कि ब्राह्मण या कोई बड़े कास्ट के ही होते थे। और जैसे कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की बात है तो आई थिंक जो भी प्रेजेंट करता है जैसे चार्वाका या लोकायता स्कूल ऑफ फिलोसफी वो तो आपको पता ही होगा कि मतलब वो मतलब उसी टाइम में उसको जला दिया गया था तो हमें ज्यादा रेफरेंसेस तो मिलते ही नहीं है, जो भी मिले हैं वो जो उनके जो थोड़े बहुत बचे हैं। तो मतलब ये रेजिस्टेंस टू मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन तो ये तो एंशियंट टाइम से ही चल रहा है, जो ब्रह्मानिकल फोर्सेज हैं वो हमेशा इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्योंकि दैट इज द बेसिस ऑफ देयर रूल, सुपरस्टिशियस आइडियलिज्म एंड अ ब्रह्मानिकल विजन इज द बेसिस ऑफ देयर रूल। तो अगर वो उनके अगर आप मटेरियल इंटरप्रिटेशन करते हैं रिलेशन का या रैशनल इंक्वायरी करते हैं एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस का तो ऑब्वियसली ये रूलिंग क्लास की हेगेमनी तो चैलेंज होती ही है, चाहे वो आपके क्लासरूम में हो, चाहे आपके रिसर्च में हो या आप कहीं एकेडमिक फोरम में एंगेज कर रहे हो, तो ये सब तो चैलेंज होता ही है जिस वजह से जो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लासेस हैं या ब्राह्मणिकल हेगेमनी है वो क्वेश्चन होती ही है। तो जैसे कि मतलब मैं एक काम भी कर रही थी कि मतलब जैसे कि ये दो हमारे जो एपिक्स हैं मतलब दीदी को सॉरी देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने व्हाट इज डेड इन लिविंग इन फिलोसफी उसमें कहा है कि कैसे ये मास प्रोपेगेंडा थे रामायण एंड महाभारत जो कि एक तरह का सुपरस्टिशियस आइडियलिज्म इम्पोज करते थे सोसाइटी पर, और जैसे कि सब्जुगेशन ऑफ वुमेन भी होता था सुपरस्टिशियस आइडियलिज्म के बेसिस पे ही, क्योंकि देखिए अगर मटेरियलिस्ट स्कूल तो कहता था कि भगवान नहीं होते हैं और ये भी इंटरप्रिटेशन हुई थी कि अभी के दौर में और पहले के दौर में किसको हेडोनिज्म करके रिजेक्ट कर देना कि ये तो मतलब है कि घी खाओ आज और उधार पे मर जाओ, मतलब कि एक जैसे लूज कैरेक्टर वाले लोग होते हैं हेडोनिस्ट होते हैं, तो एक तरह से वैसे मटेरियल स्कूल को भी डिस्ट्रॉय किया गया था एक तरह की इस इंटरप्रिटेशन से। तो मटेरियल इंटरप्रिटेशन अगर जैसे उस टाइम में भी वो रूलिंग क्लास की हेगेमनी को चैलेंज करती थी और अभी भी आप करते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे क्लास की हमारी जो ओल्ड सोसाइटी है हमारी कैपिटलिज्म ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, उसके रेमिनेंस और वो सोशल रिलेशन जैसे अगर आप सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस देख लें लैंड रिलेशंस देख लें मतलब ज्यादातर 90% दलित अभी भी लैंडलेस हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग के डेटा आप देख लें तो सीवर में कौन डूब कर अपनी जान देता है वो भी अभी यही है। तो मतलब मैं जब एग्जाम्पल देती हूँ कास्ट ऑफ प्लेसेस है तो मैं बच्चों को ये सब बताती हूँ कि सीवर में कौन डूब रहा है
मतलब जैसे कि मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटीज करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ह्यूमैनिटीज क्या है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें रटा रटाया स्टेटस को में एक मशीन में एक कॉप की तरह फिट करके उन्हें सोचने और समझने की क्षमता खत्म कर दे। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को एक सोचने और समझने की क्षमता अपने बल पे मिले, जो कि एक क्रिटिकली चीजों को देख पाए, एनालाइज कर पाए। और मतलब ये हंसी की बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि क्रिटिकलिटी ऑफ थॉट एंड क्रिटिकल रीजनिंग को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे तो क्रिटिकल क्लासरूम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और मतलब मुझे निशाना बनाया जा रहा है हर तरफ से। जैसे आपने बात करी कि एनईपी में बोला गया है क्रिटिकल थिंकिंग लाई जाएगी क्लासरूम्स में, साथ ही एनईपी में ये भी बोला गया है कि सिलेबस में हर लेवल पे इस तरीके के चेंजेस लाए जाएंगे जिसमें एक फोकस रहेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर। लेकिन जैसा आपका भी क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिखा रहा है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम एक्चुअली एक ही तरह के होंगे और इंडियन ट्रेडिशन में जो एक मटेरियलिस्ट ट्रेडिशन भी रहा है, चाहे वो चार्वाक हो या उसको लेकर जिस तरीके से लोगों ने आगे भी काम किया है, हम अपने कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में भी देखे हैं कि नरेंद्र दाबोलकर या M.M. कलबुर्गी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से लंबे समय तक जुड़े थे और उन्होंने सुपरस्टिशन के खिलाफ काम किया था और उनको इसी कारण मारा भी गया, उनकी बात जब क्लासरूम्स में होती है तब भी एक तरीके का अटैक आपको फेस करना पड़ा, तो उसको लेकर अगर आप हमें बता पाए उनके विचारों के बारे में और उनके बारे में क्लासरूम में बात करना क्यों जरूरी है, ये अगर आप देखिए जब हम पॉलिटिकल थियोरी पढ़ाते हैं तो हमें साइंटिफिक पॉलिटिकल थियोरी भी पढ़ानी होती है और जिसमें एक पार्ट आता है पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी और साइंटिफिक इंक्वायरी का तरीका है। पॉजिटिविज्म कहता है कि जो हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने सेंस एक्सपीरियंस से वही एक सही नॉलेज है, वही एक ट्रुथ है। जो हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से नहीं वेरीफाई कर सकते या जो हमें अपने सेंस एक्सपीरियंस से नहीं दिखती है वो ट्रुथ नॉलेज नहीं है। तो पॉजिटिविज्म पढ़ाते समय मैंने एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि अगर एप्पल गिर रहा है पेड़ पे से तो उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ये हमें मतलब वो उसका गिरना ही हमारे सेंस एक्सपीरियंस से हम देख सकते हैं कि हाँ उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है। तो ये एक वेरीफिएबल फेनोमेना है, मतलब हमारे सेंस एक्सपीरियंस से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ वो गिर रही है तो उस पर ग्रेविटी काम कर रही है। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें तो हम एनलाइटमेंट रेशनैलिटी को हटा नहीं सकते। रेनेसांस से कैसे जो डार्कनेस के टाइम्स थे अनरीजन था, उसको चैलेंज किया, सुपरस्टिशियस डॉगमा फेथ रिलीजन इन सब को रिजेक्ट करता है पॉजिटिविज्म और सिर्फ सेंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉलेज को मतलब एक्सेप्ट करता है। तो रियलिटी हम रैशनैलिटी की बात करते हैं तो मतलब क्लासरूम में क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर वो नए नए स्टूडेंट्स हो तो उनको समझ में नहीं आता है रैशनैलिटी क्या होती है। बेटर एग्जांपल देने के लिए आपको इलस्ट्रेशन देना पड़ता है कि कैसे रैशनलिस्ट ग्रुप्स हैं इंडिया में जिन्होंने भी मतलब की एक्सपीरियंस और सुपरस्टिशियस डॉगमा रिलीजन फेथ के बेसिस पे मैंने उनको एग्जाम्पल आता हेल और हेवन का कि जैसे कि हम देख नहीं सकते हैं सेंस एक्सपीरियंस के हिस्से भी हेल या हेवन होता है, लेकिन हमें डराया जाता है उसी के बेसिस पे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नरक में जाएंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, जिसका कोई प्रमाण साइंटिफिकली हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सुपरस्टिशियस फेथ है जो कि सेंस एक्सपीरियंस से नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो एक स्पिरिचुअल या यू कैन से मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन है। तो इस संदर्भ में मैंने रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉजिटिविज्म की बात को बढ़ावा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो स्टूडेंट्स को। तो बस नाम लेने से तकलीफ हो जाती है तो हम क्या करें। दाबोलकर और कलबुर्गी के साथ ही साथ आपने अपने लेक्चर्स में रोहित प्रेमला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर का भी जिक्र किया था जिसको लेकर भी आपको अटैक फेस करना पड़ा, तो अगर आप हमें बताएं
कॉन्टेक्स्ट में रोहित वेमुला की बात क्लास में आई और क्यों ये बात करने की आज भी जरूरत है? मैं रोहित वेमुला का जिक्र मेरे क्लास में एक कॉन्टेक्स्ट में आया था, जब हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते हैं तो उसमें नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट होता है, जिसमें मैं कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थॉट और क्रिटिकल पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रही थी। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थॉट वो होता है जो कि या तो एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन को, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सोशल पावर को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, या तो स्टेटस को मेंटेन या प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, जो कि क्वेश्चन नहीं करता है एग्जिस्टिंग डायमेंशंस ऑफ सोशल पावर को। और क्रिटिकल पॉलिटिकल थॉट वो होता है जो कि एग्जिस्टिंग स्टेटस को क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करता, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है और एग्जिस्टिंग सोशल पावर को, स्ट्रक्चर्स ऑफ सोशल पावर को, सोशल रिलेशन को क्रिटिकली इसलिए इवैल्यूएट करता है क्योंकि वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो एक प्रोग्रेसिव मतलब एक स्टेटस को जो होता है उसको तोड़कर एक नए तरह का सोसाइटी की कल्पना करता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मैंने वेस्टर्न एग्जाम्पल दिए तो बच्चों को आप जानते हैं समझ में नहीं आते हैं, मतलब मैं जब भी क्लासरूम में ये पढ़ाती हूँ तो बच्चों को वेस्टर्न एग्जाम्पल समझ में नहीं आते। तो मैंने गांधी का एग्जाम्पल दिया कि कास्ट की जो फिलॉसफी थी, मतलब कास्ट पे जो गांधी का स्टैंड था, हम उसे कंजर्वेटिव बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की थी हरिजन के फॉर्म में, मतलब मैनुअल स्केवेंजिंग वगैरह को। तो और मैंने अम्बेडकर का एग्जाम्पल दिया था क्रिटिकल पॉलिटिकल थॉट में कि कैसे कास्ट के प्लेन पर अम्बेडकर ने क्वेश्चन किया था एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम को एज अ एक्सप्लॉयटेटिव सोशल स्ट्रक्चर, पावर को भी, सोशल पावर को भी क्रिटिक किया था, और उनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट का डिस्ट्रक्शन ही उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी का मेन पार्ट था। सो दैट इज अ क्रिटिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। देन आई आस्क्ड, तब मैंने बच्चों से पूछा कि क्यों अम्बेडकर कास्ट को खत्म करना चाहते थे और कास्ट ऑप्रेसिव क्यों थी हमारे जो रिलीजन में, मतलब जैसा कि हिंदू टेक्स्ट वगैरह में लिखा हुआ, जैसे ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, एक पुरुषा सूक्ता हिम्न है उसकी, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मा के शरीर से ये वर्णा सिस्टम क्रिएट हुआ है, उनके सर से ब्राह्मण क्रिएट हुए हैं, उनके कंधों से क्षत्रिय क्रिएट हुए हैं, पेट से वैश्यास क्रिएट हुए हैं और पैरों से दलित या शूद्र क्रिएट हुए हैं। तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि ये जो बॉडी की वर्टिकल हायरार्की है, यही हमारे सोसाइटी की सोशल हायरार्की बन जाती है। मतलब कि जो आप ऑर्डर देख रहे हैं, सबसे टॉप पे ब्राह्मण है और सबसे नीचे दलित है, और कैसे ये फंक्शन होता है, मतलब जो सोशल फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे दलित की है मैनुअल स्केवेंजिंग है, उनको हमेशा पढ़ाई से दूर रखा जाता है, उनको अलाउ नहीं है, मतलब मोबिलिटी नहीं है, ये जो सोशल हायरार्की उसमें मोबिलिटी अलाउ नहीं है। तो एक दलित चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। तो मतलब मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी कि इसलिए अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम को ऑप्रेसिव माना था, क्योंकि जैसे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया चंडाल वगैरह, जो कि मतलब जो कि शहर से बाहर रहते थे, या मरी गाय को साफ करना, स्किन करना, तो वहीं से अनटचेबिलिटी भी आई। मतलब मैंने ये एग्जांपल्स दिए कि कैसे एक्सप्लॉयटेटिव था कि एक इंसान को बर्थ के बेसिस पे जिंदगी भर पढ़ना अलाउ नहीं है और सिर्फ सर्विस करनी है, या तो जो डोमिनेंट कास्ट है उनकी, या तो सिर्फ उन्हें ऐसे काम करने हैं जिससे उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को बिल्कुल भी ये नहीं देते। तो ये रूलिंग क्लास का सिस्टम, मैंने उनको समझाया था कि कास्ट कैसे एक रूलिंग क्लास के मतलब एनालिसिस में भी समझ सकते हैं कि जिसके पास पढ़ाई और दूसरे वेपन हैं वही डोमिनेट कर सकता है। तो फिर मैंने कहा कि कास्ट सिस्टम अभी मर चुका है क्या? हमारा जो फंक्शनैलिटीज थे ट्रेडिशनल, की दलित को अलाउ नहीं है पढ़ना, क्या वो अभी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग इंडिया में? तो मतलब ये मैंने क्वेश्चन रखा था। तो फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप सीवर का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी भी जो मेजोरिटी ऑफ दलित ही हैं जो कि मैनुअल स्केवेंजिंग कर रहे हैं, लैंड रिलेशंस में देखें, तो मतलब यही सब एग्जांपल दिया। फिर मैंने कहा कि जहां बर्थ की बात आती है, आपने सुना होगा रोहित वेमुला का केस, जहां उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा था माय बर्थ इज माय फेटल एक्सीडेंट। सो आई थिंक वो लेटर ही ऐसा था कि वो एक संवेदना क्रिएट कर देता है मतलब कास्ट के प्रति, कि किसी के बर्थ के बेसिस पे किसी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम
किसी को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, या मतलब चीजें ऐसी, मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी भी इतने ऑसिफाइड हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके लिए पढ़ना अभी भी आसान नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैंने रोहित वेमुला का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि क्लासरूम में देखिए आप आगे बढ़ जाते हैं, आप जरूरी नहीं है कि अम्बेडकर को पढ़ा रहे हैं तो आप वहीं रुके रहें, बिकॉज आपको एग्जाम्पल देना है आगे कि कैसे वो समझ पाए उस बात को, क्योंकि थियोरी बस ये नहीं होती है कि आप उन्हें थियोरी रटा दें जो वो समझे ना, थियोरी का इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और अभी के टाइम में हम सोशल रियलिटी कैसे एनालाइज कर पाए उस थियोरी को लेकर के, ये बहुत ही जरूरी बात है कि ये हम बच्चों को सिखा सकें। तो इसलिए मैंने रोहित वेमुला जी का जिक्र किया था अपने लेक्चर में। जैसा कि आज हमने इस कॉन्वर्सेशन में भी देखा कि आज मनुस्मृति जैसे डॉक्यूमेंट के खिलाफ जो उठा रहा है उसको काफी अटैक फेस करना पड़ रहा है पुलिस, सरकार और राइट विंग ग्रुप्स के द्वारा। मनुस्मृति चाहे एक लंबे समय पहले लिखा गया डॉक्यूमेंट हो, लेकिन आज भी वो हमारे देश में बहुत कुछ निर्धारित करता है। हमने हाल ही में देखा कि हाथरस में एक घटना हुई जहां पे पूरा जोर लगाया गया लॉ एनफोर्समेंट और सरकार द्वारा परपेट्रेटर्स को बचाने का। उसी तरह हमने दिल्ली में गुड़मंडी में भी यही होते हुए देखा, जहां 17 साल की एक दलित डोमेस्टिक वर्कर के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, यही रोल निभाती है जो वो हाथरस में भी निभाई। तो हम देख रहे हैं कि क्लियरली मनुस्मृति आज भी हमारे देश में दलितों का, महिलाओं का क्या होगा, जो मनुस्मृति में लिखा गया था वो ही आज बस होते हुए भी देख रहे हैं, और इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है ये भी हम समझते हैं। इस लड़ाई में दाभोलकर और कलबुर्गी जैसे लोग जिस क्रिटिकल थॉट की बात करके गए थे, वो क्रिटिकल थॉट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्रिटिकल थॉट क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर ले जाने की आज जरूरत है, ये भी हम समझते हैं। We want to thank Shilpa Singh for joining us today in this conversation, and on behalf of collective, we want to express our complete solidarity with her and others who are facing an attack today for their criticism of a document like the Manusmriti, which is clearly serving the interests of a few in society today. So thank you, Shilpa Singh, for joining us today. मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर सेंसरशिप हो एकेडमिक थॉट पर, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी पर, जहां क्रिटिकल रीजनिंग को बिल्कुल भी जगह न मिले, ऐसी सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेशन के लिए खुले विचार, खुली एकेडमिक एंगेजमेंट काफी जरूरी है। आज क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल, मतलब कोई भी इंसान जो सोचे और जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहे क्लासरूम में रखे चाहे क्लासरूम से बाहर रखे, मतलब उस पर इनटॉलरेंस इतना बढ़ गया है, और जो एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने एक दादागिरी अज्यूम कर ली है कि उन्हें हक है कि वो क्लासरूम में आकर डिक्टेट कर सकते हैं या एकेडमिक सेमिनार में जाके तोड़ फोड़ कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बातें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से किसी भी डेमोक्रेसी के लिए थॉट, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट तो सबसे जरूरी चीज है। अगर फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी होने का कोई मायना नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम सबको फ्रीडम ऑफ थॉट, एजुकेशन फॉर ऑल एंड क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के लिए लड़ना चाहिए और साथ में होना चाहिए। धन्यवाद देती हूँ मैं कलेक्टिव को मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड मेरे साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच।